हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये फ्लावर कैसे बनाया है उसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर का वूल यूज़ किया है और इसका ये वाला जो राउंड है, इस राउंड में मैंने यहाँ पे बैंगल्स डाले हुए हैं। इस तरह के बैंगल्स का मैंने यूज़ किया है। फ्लावर का ये वाला जो पार्ट है वो हमें स्टिच करके लेना है। इसके लिए मैंने ये वाला सुई यूज़ किया है। इसमें मैंने पहले ही ग्रीन कलर का धागा डाल कर लिया है। क्रोशेट हुक है मेरा 1.5 mm का। फ्लावर बनाने के लिए पहले हमें ये वाला पार्ट बना कर लेना है। ये पार्ट बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पे 9 चेन बना कर लेनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। 9 चेन बनाकर लेने के बाद ये जो 3 चेन है इन्हें छोड़ना है। 4 नंबर का चेन है, उस चेन में हमें एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। और इसी तरह हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। टोटल 7 डबल क्रोशेट हमें यहाँ पे बनाकर लेने हैं। ये 3 चेन का पकड़ के एक हुआ, ये दूसरा, तीन, चार, पाँच, छः, अरे 7। इस तरह से यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशेट बना कर लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 डबल क्रोशेट लेने के बाद एक चेन लेना है, इसे टर्न करके लेना है और ये जो फर्स्ट गैप है इस गैप में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। उसके आगे वाला जो गैप है, ये वाला, इस गैप में दूसरा डबल क्रोशेट, सॉरी सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से ये जो 7 डबल क्रोशेट है उनके ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 2 हुए, 3, 4, 5, 6। इस तरह से यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेट बनाकर लिए। अब एक चेन लेनी है, इसे टर्न करके लेना है और ये जो 6 सिंगल क्रोशेट लिए थे उनके ऊपर हमें 5 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। इसके लिए ये फर्स्ट वाला जो गैप है, ये वाला, इस गैप को हमें छोड़ना है और उसके आगे वाला जो गैप है इस गैप में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। 1, 2, 3, 4। पांचवा सिंगल क्रोशेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो चेन लिया था उस चेन पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशेट बनाकर लिए। अब इसके ऊपर हमें 4 सिंगल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक चेन लेना है, इसे टर्न करके लेना है और ये जो फर्स्ट वाला गैप है, ये वाला, उसे छोड़ना है और उसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। 1,
तीन, चार। चार सिंगल क्रोशेट लेने के बाद फिर से एक चेन लेनी है, इसे टर्न करके लेना है और इसके ऊपर हमें तीन सिंगल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। ये फर्स्ट वाला जो गैप है उसे स्किप करना है, उसके आगे वाला जो गैप है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। एक हुआ, दो, और फिर से यहाँ पे जो चेन लिया था वहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। तीन, फिर से एक चेन लेके इसके ऊपर हमें दो सिंगल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। ये फर्स्ट वाला जो गैप है उसे स्किप करना है और उसके आगे दो सिंगल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ और ये दूसरा, अब यहाँ पे एक गार्ड बांध के ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ये वाला जो गैप है, ये पहला वाला गैप, यहाँ पे हमें ये थ्रेड को बांध कर लेना है। इसे बांधने के बाद यहाँ पे तीन चेन लेनी है। एक, दो, तीन। तीन चेन लेने के बाद इसी गैप में हमें दो डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक, दो। इस तरह से ये वाला जो गैप है, इस गैप में मैंने तीन डबल क्रोशेट बनाकर लिए, ये तीन चेन वाला पकड़ के। अब इसके आगे वाला जो गैप है, ये वाला, इस गैप में भी हमें तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक, दो, तीन। इसी तरह हर एक गैप में हमें तीन तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। टोटल 18 डबल क्रोशेट हमें यहाँ पे बनाकर लेने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये लास्ट छः वाला जो गैप है, ये वाला, इस गैप तक हमें तीन तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। टोटल 18 डबल क्रोशेट हमें यहाँ पे बनाकर लेने हैं। मैं सारे कंप्लीट करने के बाद आगे का दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने सारे 18 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। हर एक गैप में मैंने तीन तीन डबल क्रोशेट बनाकर लिया है। अब हमें इसे ज्वाइंट करके लेना है। ज्वाइंट करने के लिए हमें इसे इस तरह से टर्न करके लेना है और ये जो तीन चेन है, फर्स्ट जो हमने बनाकर लिया था, ये जो ऊपर वाला चेन है वहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के बाद एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। अब हमें ये वाला जो पार्ट है उसे स्टिच करके लेना है। इसे स्टिच करने के लिए ये पहले जो थ्रेड है उसे हाइड करके लेना है।
स्टिच करने के लिए हमें ये जो सुई है उसका यूज़ करना है। यहाँ पे एक गांठ बांध कर लेनी है। और इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह हमें इसे स्टिच करके लेना है। कहीं पे भी इस तरह से हमें इसे स्टिच करके लेना है। स्टिच करने के लिए इस तरह से एकदम नज़दीक, यहाँ पे मैंने अब स्टिच किया, उसके थोड़े आगे हमें इस तरह से इसे फिर से स्टिच करके लेना है। यहाँ पे मैंने इसे स्टिच किया, अब थोड़ी दूर यहाँ पे उसके थोड़े आगे हमें इसे फिर से स्टिच करके लेना है। ज़्यादा गैप नहीं रखना है स्टिच करने के लिए। इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पे एक गार्ड बांध कर लेनी है। और ये जो सुई है उसे इस तरह से बाहर निकालना है। और ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर का ऊपर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे फ्लावर का ये वाला जो पार्ट है उसे कंप्लीट करके लिया। अब हमें इसके आगे वाला जो पार्ट है ये वाला, इसे बनाकर लेना है। इसे बनाकर लेने के लिए ये जो 18 डबल क्रोशेट हमने बनाकर लिए थे, किसी भी एक गैप में हमें थ्रेड को बांध कर लेना है। यहाँ पे बांध कर लेने के बाद जहाँ पे हमने बांध कर लिया है वहाँ पे हमें तीन चेन लेनी है, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद ये जो उसके आगे वाला जो गैप है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। ये तीन चेन वाला पकड़ के एक हुआ, उसके आगे ये दो, ये तीन। इसी तरह हर एक गैप में हमें डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। टोटल 18 डबल क्रोशेट हमें इस राउंड में बना कर लेने हैं। मैं सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करने के बाद आगे का दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। हर एक गैप में मैंने यहाँ पे डबल क्रोशेट बना कर लिया है। 18 डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पे 18 डबल क्रोशेट मैंने बना कर लिए। अब हमें इसे ज्वाइन करके लेना है। ज्वाइन करने के लिए ये जो तीन चेन हमने लिए थे, यहाँ पे जो ऊपर वाला चेन है वहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके लेना है। ज्वाइन करने के बाद इसके आगे वाला ये जो गैप है, इस गैप में हमें स्लिप स्टिच लेनी है और यहाँ पे तीन चेन लेनी है, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद फिर से हर एक गैप में हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। दो तीन, इसी तरह हर एक गैप में हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे का दिखाती हूँ।
यहाँ पे फिर से मैंने 18 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब हमें इसे फिर से ज्वाइन करके लेना है। ये जो ऊपर वाला चेन है वहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके लेना है। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे तीन चेन लेनी है, 1, 2, 3। अब इसके आगे वाला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें और एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। इस तरह से इस राउंड में हमें हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। यहाँ पे 1, 2 हुआ, ये तीसरा। इसी तरह 18 डबल क्रोशेट के ऊपर 18 डबल क्रोशेट हमें बना कर लेने हैं। मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे का दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब हमें इसे ज्वाइन करके लेना है। ये जो ऊपर वाला चेन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करके लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमें तीन चेन लेनी है। तीन चेन लेने के बाद इसके आगे वाला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं, 1। उसी डबल क्रोशेट के ऊपर ये दूसरा डबल क्रोशेट। इसके आगे वाला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशेट बना कर लेना है, 1 हुआ। उसके आगे वाला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं, 1। उसी डबल क्रोशेट के ऊपर ये दूसरा डबल क्रोशेट। फिर से इसके आगे वाला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 1 डबल क्रोशेट बना कर लेना है, और इसके आगे फिर से 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करके लेना है। दो डबल क्रोशेट होने के बाद यहाँ पे फिर से 1 डबल क्रोशेट लेना है, और इसी तरह ये राउंड हमें कंप्लीट करके लेना है यहाँ तक। इस तरह मैंने यहाँ पे लास्ट डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब हमें इसे ज्वाइन करके लेना है। ये जो ऊपर वाला चेन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करके लेना है। तीन चेन लेनी है, 1, 2, 3, और उसी डबल क्रोशेट के ऊपर और एक डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। उसके आगे वाला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं, 1, 2। इसी तरह हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं, 1, 2। इसी तरह मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे का दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशेट बनाकर लिए हैं। अब ये जो चेन है ऊपर वाला यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके लेना है। इस तरह से अब ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें ये वाला जो बैंगल है उसका यूज़ करना है। इसे इस तरह से पकड़ना है नीचे की ओर, जहाँ पे हमें ज्वाइन किया है उसके आगे वाला जो गैप है उस गैप में हमें इस तरह से सुई को लेकर यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके लेना है। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। और ये जो गैप है इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं इस तरह से, 1, 2। इस तरह से ये वाला जो गैप है यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं, 1,
दो, तीन। इसी तरह हर एक गैप में हमें तीन तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। डबल क्रोशेट लेते वक्त हमें यहाँ पे ये वाला जो गैप है, यहाँ से लेते हुए ये जो रिंग है, इस रिंग से होते हुए यहाँ तक, इस तरह से हमें यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इस गैप से लेते हुए ये जो रिंग है उसके अंदर से यहाँ पे, इस तरह से हमें यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। तीन डबल क्रोशेट होने के बाद उसके आगे वाला जो गैप है वहाँ पे भी हमें तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इसी तरह हर एक गैप में हमें तीन तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे का दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट करके लिया। यहाँ पे मैंने हर एक गैप में तीन तीन डबल क्रोशेट बनाकर लिए हैं। ये लास्ट गैप तक मैंने तीन तीन डबल क्रोशेट यहाँ पे बनाकर लिए हैं। अब हमें इसे जॉइन करके लेना है। जॉइन करने के लिए ये जो ऊपर वाला चेन है वहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करके लेना है। जॉइन करने के बाद एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। ये फ्लावर मैंने यहाँ तक कंप्लीट करके लिया। अब हमें इसके आगे वाला ये जो वाइट कलर का पार्ट है वो बनाकर लेना है। वो बनाने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ किया है। आप चाहे तो दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो गैप है, किसी भी एक गैप में हमें ये थ्रेड को बांध कर लेना है। एक गार्ड बांधने के बाद यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है इस तरह से। इसके आगे वाला जो गैप है उस गैप में हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसी तरह हर एक गैप में हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसके आगे वाला जो गैप है, इस गैप में भी इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेनी है। इसी तरह हर एक गैप में हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेनी है यहाँ तक। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आगे का दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके लिया। हर एक गैप में मैंने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लिए है लास्ट गैप तक। अब हमें इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के लिए जो पहले हमने चेन बनाकर लिया था वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके लेना है इस तरह से। जॉइंट करने के बाद एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है इसमें। यहाँ तक मैंने ये फ्लावर कंप्लीट करके लिया। अब हमें ये वाला जो पार्ट है फ्लावर का इसे बनाकर लेना है। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पफ स्टिच का यूज़ किया है। इसे बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है तरह से। एक चेन लेने के बाद ये जो सुई पे लूप है उसे थोड़ा लंबा खींचना है। इस तरह से। और ये जो चेन हमने बनाकर लिया है उसी चेन में हमें पफ स्टिच बनाकर लेनी है 6 से 7 बार। 1, 2
चार, पांच, छः। आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पे छः राउंड ही ले रही हूँ। कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसे क्लोज करना है, पफ स्टिच को इस तरह से। और अब यहाँ पे हमें 20 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है इस तरह से, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। सिंगल क्रोशेट लेने के बाद अब यहाँ पे हमें फिर से 15 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 चेन लेने के बाद और एक चेन बनाकर लेना है, और ये वाला जो चेन है यहाँ पे हमें पफ स्टिच बनाकर लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार बनाने के बाद इसे क्लोज करके लेना है। एक गार्ड बांध के ये जो एक्स्ट्रा होल है उसे कट करके लेना है। ये जो थ्रेड है इसे हाइड करके लेना है इसे पफ स्टिच में, और उसी तरह ये वाला भी थ्रेड है उसे भी हाइड करके लेना है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ।